Hi friends, I am Abhishek. Welcome to my channel WFN. Today I will tell you what is family court. Let's start now in Hindi. परिवार अदालत क्या होती है? वर्ष 1984 में संसदीय विधि के द्वारा पारिवारिक अदालतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है. इस अधिनियम के अनुसार जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक होगी वहां पारिवारिक अदालतों का गठन किया जाएगा. इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में भी संसद के द्वारा पारिवारिक अदालतों का गठन किया जा सकता है. राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से पारिवारिक अदालतों की स्थापना की जाएगी. पारिवारिक अदालतों में पति पत्नी के बीच विवाह से संबंधित विवादों को हल किया जाता है. पत्नी को गुजारा भत्ता देने से संबंधित विवाद तथा अल्पवयस्क बच्चों के हक का निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जाता है. समस्या के समाधान के लिए नेचुरल जस्टिस का सहारा भी लिया जाता है तथा विवादों को सुलह एवं सहयोग के द्वारा हल किया जाता है. इसके अतिरिक्त परिवार अदालत में व्यक्ति अपने मामले की पैरवी स्वयं कर सकता है. परिवार अदालतों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है तथा जिन मामलों में दोनों पक्षों के बीच सहमति हो उनमें अपील का प्रावधान नहीं है. आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है. कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद.